प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको जय मसीह की। प्रभु आपको बहुत आशीष बरकत करे। क्यों प्रभु यीशु मसीह ही ने कहा कि तुम जगत के नमक हो और तुम पृथ्वी के ज्योति हो। क्या कारण था कि प्रभु यीशु मसीह ही सिर्फ और सिर्फ नमक और ज्योति का ही उदाहरण लिया? प्रभु यीशु मसीह ही किसी का भी उदाहरण ले सकते थे। प्रभु यीशु मसीह कह सकते थे कि तुम इस पहाड़ के समान हो। प्रभु यीशु मसीह कहते थे देखो ये सूरज जो है उसके समान हो। प्रभु यीशु मसीह कह सकते थे देखो बहुत सारी ऐसी बातें कह सकते हैं, लेकिन क्यों स्पेसिफिकली प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को कहा कि तुम पृथ्वी के नमक हो और तुम पृथ्वी की ज्योति हो? क्या कारण था कि प्रभु यीशु मसीह ही ने सिर्फ और सिर्फ नमक और ज्योति का ही उदाहरण लिया? इसके लिए हमें सबसे पहले हमें जानने की आवश्यकता है कि प्रभु यीशु मसीह ने कुछ भी बातें उन्होंने कही है, कुछ भी उन्होंने बोला है, उसके पीछे एक बहुत ही बड़ा रहस्य है, बहुत ही बड़ा प्रभु यीशु मसीह के जो शब्द जो हैं शब्द ही नहीं है, बल्कि एक हिसाब से देखें तो अगर हमें समझने के प्रयास करें तो एक बहुत ही बड़ा रहस्य का भंडार छुपा होता है जिसको हम नज़रअंदाज कर जाते हैं। हमने बहुत बड़ी इस वचन को पढ़ा है, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय उसका 13 से लेकर 16 वचन हमने पढ़ा है। हमारे पासवानों के द्वारा हमने इस वचनों को सुना है, हमने व्यक्तिगत रीति से इसकी स्टडी की है। लेकिन जो आज बात मैं बताने के लिए जा रहा हूँ, मैं ये विश्वास करता हूँ कि ऐसी अद्भुत बातें प्रभु हमसे आज करने के लिए जा रहे हैं। पहली बात यहाँ पे बताया गया है कि तुम पृथ्वी के नमक हो। क्यों प्रभु ने इस बात को कहा है? परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? हर एक विश्वासी, हर एक पासवान को हमें समझने की आवश्यकता है कि प्रभु ने कहा है कि तुम इस पृथ्वी के नमक हो, तो क्यों प्रभु यीशु मसीह ने सिर्फ हमें कहा है यू आर द सॉल्ट ऑफ द वर्ल्ड? क्यों कहा है कि तुम ये सिर्फ इस पृथ्वी के नमक हो? प्रभु ये भी कह सकते तुम घी हो। प्रभु यीशु मसीह ये भी कह सकता था कि तुम इस पृथ्वी के अन्नदाता हो, तुम इस पृथ्वी के प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हो, तुम इस पृथ्वी के उद्धारकर्ता उद्धार पाए हुए, ये भी बोल सकता है। लेकिन क्यों स्पेसिफिकली प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम पृथ्वी के नमक हो? तुम पृथ्वी के नमक हो क्यों? हम विस्तार से इस बात को जानेंगे। सबसे पहले खुश होने के बजाय कि हम पृथ्वी के नमक हैं या हम पृथ्वी के ज्योति हैं, तो हमें समझना होगा कि यीशु मसीह ने इस बात को क्यों बोला है। हम बहुत बारी हम बोलते हैं कि हम पृथ्वी के नमक हैं, हमें नमकीन होना चाहिए, हम लोगों के पास जाना चाहिए, हमें प्रभु का जो नमक जो है वो लोगों के मुंह में टेस्ट आना चाहिए। हाँ, ये करना है, लेकिन उससे पहले हमें नमक बनना है। हम कैसे नमक बन सकते हैं? हम किस प्रकार से नमक बन सकते हैं और कौन सा नमक बनते हैं? कहीं हम वो नमक तो नहीं है जो स्वाद बिगड़ चुका है, जिसका जो अब खाने के योग्य नहीं है? देखो, नमक बनने से पहले सबसे पहले नमक कैसे बनता है उसको समझना हमें बहुत ही जरूरी है। नमक, हम सबको पता है कि नमक समुद्र में पाया जाता है और समुंदर जो है बहुत ही विशाल है, पृथ्वी से भी बहुत विशाल है। और नमक जो है वो तब तक नमक नहीं कहलाता जब तक वो समुंदर से बाहर अपने आप को ना कर दे। जब तक वो समुंदर के पानी के अंदर है तब तक वो पानी में है और तब वो नमक नहीं है। जब वो नमक अपने आप को उस पानी से दूर करता है, नमक अपने आप को पानी से दूर करता है, तो वो अपने आकार में आ जाता है और अपने आप को स्वतंत्र सफेद रंग अपना दिखाता है और उसको लेकर लोग अपने घरों में, अपने किचनों में इस्तेमाल करते हैं।
यदि प्रभु ने हमें कहा है कि तुम पृथ्वी के नमक हो, दैट मीन्स हमें अपने आप को नमकीन नमक बनाना पड़ेगा। सबसे पहले हमें अपने अंदर से, अपने आप से उस पानी को दूर करना पड़ेगा जिस पानी ने हमारे आकार को अपने चंगुल में फंसाया हुआ है। जब तक हम समुद्र में हैं, समुद्र के पानी में हैं, तब तक हम नमक नहीं कहलाएंगे, हम समुद्र का पानी कहलाएंगे। जब हम उस पानी से अपने आप को अलग करते हैं तब हम नमक कहलाते हैं। समझ रहे हैं बात को आप? तब ही हम नमक को कहलाते, अदरवाइज हम नमक नहीं है। नमक और पानी जब ये जुदा होते हैं, जब ये अलग होते हैं, कोई आसान प्रोसेस नहीं है इनको अलग करना। नमक कहे कि मैं यूं ही मैं इससे आजाद हो जाऊंगा, यूं ही मैं पलक झपकते ही मैं पानी से अपने आप को दूर कर कर मैं अपने आप को नमक कहलाऊंगा। अगर ऐसा नमक कहे तो वो कभी भी नमक नहीं बन सकता है। सबसे पहले उसे अपने आप से यह कहना होगा कि पानी का कोई भी अधिकार मेरे जीवन में नहीं है, पानी कभी भी मेरे जीवन में अधिकार नहीं कर सकता है, क्योंकि मैं स्वतंत्र हूं, मैं इससे आजाद हूं। जब तक वो पानी से आजाद नहीं होता तब तक वो अपने आप को अपने आकार में नहीं ला सकता है। उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा? मैं पढ़ रहा था कि नमक कैसे बनता है, तो कुछ प्रोसेस वहाँ पे बताया गया है। दो प्रोसेस है, या तो पहला प्रोसेस ये है कि जब तक वो सूरज की किरणें में जब तक नहीं आता है वो पानी, जब तक सूरज उस पानी को सोख नहीं लेता तब तक वो अपने आकार में नहीं आता है। और दूसरा प्रोसेस ये था कि जब तक समुद्र के पानी को उबाला ना जाए, जब तक कि उसके अंदर का पानी ख़त्म ना हो जाए तब तक नमक अपने आकार में नहीं आता है। उसी प्रकार से समुंदर जो है, समुंदर पूरा दुनिया है, और दुनिया के अंदर जो हम मिले हुए जो थे, हम एक नमक है। यदि हमें नमकीन बनना है तो हमें पानी से अलग होना पड़ेगा, यानी कि हमें उस समुंदर के पानी से अपने आप को अलग होना पड़ेगा, यानी कि हमें इस संसार से सबसे पहले अलग होना पड़ेगा। उसके लिए हमें सूरज की गर्मी भी सहनी होगी और हमें आग में उबलना भी होगा। जब तक हम उबलेंगे नहीं, जब तक हम सूरज की किरणों में हम जब तक नहीं पड़ेंगे तब तक हमारा आकार नहीं बन सकता है। जब हम संसार से अलग होते हैं तब हमें परेशानी उठाना पड़ेगा, दुख उठाना पड़ेगा, क्लेश उठाना पड़ेगा, विरोध का सामना करना पड़ेगा, अपने परिवार का विरोध सहना पड़ेगा, बहुत सारे ऐसी बातें हमें सहनी पड़ेगी। जब हम सह लेते हैं, जब हम सह कर, जब हम उस पानी से, उस संसार से अपने आप को अलग करते हैं तो हम एक सफेद उपयोग, एक नमक बनकर निखरते हैं। आसान नहीं है नमक बनना, आसान नहीं है ज्योति बनना। हम कह देते हैं प्रभु आपने कहा है मैं जगत की ज्योति हूं, मैं जगत का नमक हूं, प्रभु मैं नमक बन जाऊं। बहुत ही मुश्किल है नमक बनना, अपने आप का इनकार करना पड़ेगा, सुख सुविधाओं को तिरस्कार करना पड़ेगा, संसार की बातों को छोड़ना पड़ेगा, तभी हम एक अच्छा नमक बन सकते हैं। बहुत सारे लोग नमक तो बन चुके हैं लेकिन वो नमक जो है खराब नमक है। नमक तो बन गए हैं लेकिन वो नमक खराब है, और उस नमक को अब किसी भी रीति से उपयोग में नहीं ला सकते। आपने बहुत सुना होगा कि मैं नमक हूं जगत के, लेकिन नमक बनना आसान नहीं है। अगर एक बारी नमक बनने के लिए ठान लिया तो आप संसार से दूर हटना होगा, और संसार से हटकर अपने आप को कहना होगा कि अपने आप को इस प्रकार बनाना होगा कि प्रभु कि मैं अब नमक हूं। तो यहां पे प्रभु ने
इसलिए कहा है कि तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वो फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्य के पैरों के तले रौंदा जाए। पुराने समय में हम देखते थे कि नमक, जो आजकल के दिनों में हम देखते हैं टाटा नमक हो गया, बहुत सारे नमक के जो ब्रांड जो है, कंपनी जो है, नमक को प्यूरीफाई करके, मॉडिफाई करके हमारे बीच में देती है। लेकिन पुराने समय में हम देखते हैं नमक के क्रिस्टल जो हुआ करते थे, वो लोग इकट्ठा ही एक साल के लिए, 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए वो इकट्ठा ही लिया करते थे और अपने घर के एक कोने में एक ऐसा स्थान बनाया करते थे कि जहाँ पर उसको रखें, और उसमें से वो खुद भी उपयोग करते थे और अपने जानवरों को भी दिया करते थे। जब नमक ख़त्म हो जाया करता था, जब फिर से दोबारा नमक लाने के जब समय आया करता था, तो उस समय वो जो घर के जो सदस्य, वो क्या करते थे कि उस स्थान में जहाँ पे उन्होंने नमक रखा था, जो नमक मिट्टी से सट गया था, उसको वो खुतर खुतर कर निकाल देते थे, और निकालने के बाद वो ना तो ज़मीन में डालते थे खेतों में, ना ही वो किसी स्थान में रखा करते थे, वो सड़क में फेंक दिया करते थे। जब लोग आया जाया करते थे तो उनके पाँव के तले रौंदा जाया करता था। तो यहाँ पे प्रभु का वचन कहता है जो नमक अच्छा है वो तो घर में उपयोग किया जाएगा, जो नमक बिगड़ चुका है, यानी कि जो खराब हो चुका है, जिसमें मिट्टी लग चुकी, जिसमें जंग लग चुका है, जिसमें बहुत सारी बातें पाई जाती है, तो उसको क्या करते हैं मालिक जो है, उसको उस स्थान से उठाकर वो सड़क में फेंक देते हैं ताकि लोग आया जाया करें और उसके ऊपर पांव रखें। तो यहाँ पे इस बात को बताया गया है, यदि एक विश्वासी विश्वास में आने के बाद भी बिगड़ जाता है, एक विश्वासी विश्वास में आने के बाद प्रभु के पीछे चलने के बजाय गंदगी में अपने जीवन को जीता है, तो आखिरकार उसे रास्ते में फेंक दिया जाएगा। आप सोचो, आप अच्छे नमक हैं या बुरे नमक हैं? अगर अच्छे नमक हैं तो आपको इस्तेमाल किया जाएगा, अगर आप बुरे नमक हैं तो आपको फेंक दिया जाएगा। तो प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को इसलिए नहीं, हवे नहीं तीर मारा है कि तुम पृथ्वी का नमक हो, अब जाओ नमक बनना है। नमक अपने आप को कहलाना काफी नहीं है, एक विश्वासी कहलाना काफी नहीं है। दैट इज नॉट ए इंपॉर्टेंट टू से आई एम ए बिलीवर, पर हमें विश्वास में बने रहना, वो हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नमक ही काफी नहीं है, लेकिन अच्छा नमक होना काफी है। तो ये मतलब था नमक का, कि प्रभु यीशु मसीह ने नमक के बारे में विस्तार से हमारे जीवन में रखा, बताया, इसलिए नहीं बताया कि हम यूं ही नमक हैं, इसलिए बताया कि तुम पृथ्वी के नमक। दैट मीन्स हमें जलना भी होगा, गर्मी भी सहनी होगी, यानी कि हमें परेशानी, मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, हमें समुद्र से बाहर आना पड़ेगा, संसार से बाहर आना पड़ेगा, और फिर ही हम एक अच्छा नमक बन सकते हैं। आने वाले समय में प्रभु की इच्छा हुई तो मैं ज्योति के बारे में एक्सप्लेन करूँगा। अगर आपने इस वचन से कुछ ना कुछ प्रभु से पाया है, तो कृपया करके आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और इस वीडियो को जगह जगह शेयर करना है, ताकि लोग समझें कि हमें किस तरह का नमक बनना है। सभी को जय मसीह की, प्रेस लॉर्ड।